वेलकम बैक इन योर साइंस क्लास. टुडे वी विल डू लेसन 9 रिप्रोडक्शन. टॉपिक फर्टिलाइजेशन. पोलन ग्रेन जर्मिनेट व्हेन दे फॉल ऑन द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑफ सेम स्पीसीज. पोलन ग्रेन फ्लावर के मेल पार्ट पर होते हैं और स्टिग्मा क्या है, फ्लावर का फीमेल पार्ट है. पोलन ग्रेन फ्लावर के मेल पार्ट से फीमेल पार्ट पे जब गिरते हैं तो जर्मिनेशन होता है. A pollen tube is produced that produces the ovule. A pollen tube is produced that reach the ovule. एक pollen tube produce हो जाती है और जो ovule तक पहुँच जाती है. Stigma से कहाँ तक पहुँच जाएगी वो ovule. You can look in the diagram of flower. Male and female reproductive cell called gamete fuse to form a zygote. Male और female मिल के क्या बनाते हैं, जायगोट. मेल और फीमेल को इकट्ठे को क्या बोलते हैं, जैमेट. और ये जैमेट किस में फ्यूज टू फॉर्म ए जायगोट. दिस प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल जैमेट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. जायगोट देन डिवाइड इनटू ओव्यूल. जायगोट देन डिवाइड इनसाइड द ओव्यूल टू फॉर्म ए बेबी प्लांट कॉल्ड एम्ब्रो. नाउ जायगोट प्रोड्यूस फॉर्म ए बेबी प्लांट इन द ओव्यूल, दैट इज कॉल्ड द एम्ब्रो. नेक्स्ट, फेट ऑफ फ्लावर आफ्टर फर्टिलाइजेशन. आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या प्रोसेस होएगी हमारी. आफ्टर फर्टिलाइजेशन सेपल, पेटल, स्टेमन, स्टिग्मा यूजली ड्राई अप एंड फॉल ऑफ. फ्लावर के सभी पार्ट, सेपल, पेटल, स्टेमन, स्टिग्मा सभी सूख जाएंगे और नीचे की तरफ गिर जाएंगे. बस कौन सा पार्ट रह जाएगा, ओवरी वाला पार्ट रह जाएगा. डिवेलपमेंट ऑफ सीड. नेक्स्ट प्रोसेस डिवेलपमेंट ऑफ सीड. द ओव्यूल फॉर्म सीड. ए सीड हैज कोटिलीडन टू स्टोर फूड एंड द फ्यूजन प्लांट. ओव्यूल फॉर्म सीड्स. अब ओव्यूल्स के ऊपर जो फ्लावर का पार्ट है ओव्यूल, वो किस में चेंज हो जाएगा, सीड में चेंज हो जाएगा. सीड हैज कोटिलीडन टू स्टोर फूड. अब सीड के अंदर क्या बनेगा, सीड हैज कोटिलीडन टू स्टोर फूड एंड द फ्यूचर प्लांट. सीड के अंदर अब फ्यूचर प्लांट है, बेबी प्लांट है. व्हाट इज द नेम ऑफ बेबी प्लांट, एम्ब्रो. नेक्स्ट प्रोसेस डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट. आफ्टर फ्रूट देयर इज प्रोसेस ऑफ फ्रूट, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट. आफ्टर फर्टिलाइजेशन द ओवरी बिगेन टू ग्रो एंड फॉर्म द फ्रूट. फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी ग्रो करनी शुरू हो जाएगी, उसका साइज बढ़ने लग जाएगा और वो फ्रूट में चेंज हो जाएगी. फ्रूट में भी स्वीट जूसी लाइक मैंगो एंड ऑरेंज, और मे बी हार्ड एंड वुडी लाइक आलमंड एंड वॉलनट, मीन्स ड्राई फ्रूट. द फ्रूट इज दस एक्चुअली ए राइपेंड ओवरी. इट मीन्स फ्रूट क्या है, राइपेंड ओवरी मीन्स पकी हुई ओवरी. जब पक जाती है तो वो किस में चेंज हो जाती है, फ्रूट में चेंज हो जाती है. नेक्स्ट जर्मिनेशन ऑफ सीड. अंडर सुटेबल कंडीशन द सीड जर्मिनेट टू फॉर्म ए सीडलिंग दैट ग्रो इनटू न्यू प्लांट. जब सीड को सुटेबल कंडीशन मिल जाती है, अच्छा इन्वायरमेंट मिल जाता है, वाटर सब कुछ मिल जाता है, तो वो जर्मिनेट करता है एंड चेंज ग्रो इनटू न्यू प्लांट. नाउ वी विल रीड. डू यू नो सम फ्रूट लाइक एप्पल आर कॉल्ड फॉल्स फ्रूट. एप्पल को फॉल्स फ्रूट कहते हैं क्योंकि ये हमने ऊपर पढ़ा कि जो फ्रूट है वो फ्रूट इज द राइपन ओवरी, बट इन एप्पल फ्रूट इज नॉट राइपन ओवरी, नॉट फ्रॉम द ओवरी. एप्पल डू नॉट डिवेलप फ्रॉम द ओवरी बट फ्रॉम द रेसिप्रेक्टर प्रेजेंट जस्ट अबव द स्टोक ऑफ ए फ्लावर. मीन्स जो फ्लावर को पकड़ के रखता है, रेसिप्रेक्टर क्या बोलते हैं, जो फ्लावर को पकड़ के रखता है, स्टोक मीन्स जिस प्लांट के जिस पार्ट पर फ्लावर उगता है उसे स्टोक बोलते हैं. इट मीन्स एप्पल फ्रॉम द रेसिपिकल प्रेजेंट जस्ट अबव द स्टोक ऑफ द फ्लावर. जो एप्पल है वो ओवरी से नहीं बनता, वो किससे बनता है, रेसिपिकल ऑफ द एप्पल प्लांट.